हे गाइस, गुड इवनिंग। ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक टेक्निकल इंडिकेटर। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, बट बहुत ही काम का इंडिकेटर है, क्योंकि इसे ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है। इसका नाम है मूविंग एवरेजेस। अब जनरली हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेजेस होते क्या है। सो मूविंग एवरेजेस कुछ नहीं, हर जो भी आप टाइम फ्रेम पे लगाते हो, एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग अभी ये डेली कैंडल चार्ट है। तो इसमें क्या होगा, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस, हर दिन के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाला जाएगा। हर दिन के क्लोजिंग प्राइस का मतलब कैसे, से लेकर अगर हम लोग एवरेज मूविंग एवरेज लगाते हैं 9 दिनों का, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, 9 दिनों के प्राइस का टोटल करो, डिवाइड बाय 9 कर दो। सेम वे अब मूविंग एवरेज में क्या होता है, पहले 9 दिन का एवरेज किया जाता है और उसका एवरेज प्लॉट किया जाता है, फिर अगले दिन पिछले 9 दिनों का। तो उस केस में हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये है मूविंग एवरेजेस। इसको ज़्यादा तकलीफ ना लेते हुए, ज़्यादा इसके टेक्निकलिटीज़ में ना घुसते हुए, हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि इससे पैसा पैसा उससे बनने वाला है, इससे नहीं। तो हम लोग जाएंगे इंडिकेटर्स में, यहाँ पर सिंपली ढूंढेंगे मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे हम लोग पहले। ये है हमारा मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज के देख लो तो यहाँ पे सेटिंग में दिया है, इसका लेंथ है 9 दिनों का, 9 पिछले 9 कैंडल्स का, उसके बाद में किस चीज़ पे लगाया जा रहा है, ये क्लोजिंग के पीसेस पे है। हमको हम लोग इसे ओपन, हाई, लो, हाई लो डिवाइड बाई 2, हाई लो क्लोज डिवाइड बाई 3, OHLC डिवाइड बाई 4, या हाई लो क्लोज क्लोज डिवाइड बाई 4, हम लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, बट जनरली यूज़ होता है क्लोज के बेसिस पे। हम लोग क्लोज के ऊपर लगाएंगे, ओके करेंगे। अब ये क्या है, ये बना, ये एक लाइन जो ड्रॉ हो गई, इसे कहेंगे हम लोग मूविंग एवरेज। थोड़ा दिखने के लिए इसे हम लोग मोटा कर देंगे, स्टाइल में जाके ब्लू एंड थिकनेस इसका बढ़िया। तो अब हम अगर देखें तो ये कितनी खूबसूरती से इसका सपोर्ट लिए जा रहा है ऊपर। सेकेंडली ये देखो, यहाँ पर भी जब इसने इसे क्रॉस किया तो इसको सपोर्ट लेके ये नीचे जाता है। सेम वे हम लोग इसी तरीके से इसको देखेंगे, अगर बड़ जैसे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर देखने जाएंगे वैसे वैसे ही काफ़ी बड़ा दिख, काफ़ी अच्छे से सिग्नल दिखाई जाते हैं। तो अब हम इसे ट्विक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो एक सिंपल है कि जो काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं वो है 21 डेज़ का मूविंग एवरेज। 21 डेज़ का मूविंग एवरेज क्यों, क्योंकि अगर हम अभी देखें तो ये जो काफ़ी ज़्यादा zigzag लाइन थी अभी एक स्ट्रेट लाइन हो गई है ऑलमोस्ट। सेम वे यहाँ पे भी, तो ये नॉइज़ कम हो गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा उतना नॉइज़ कम, बट उतना ही सिग्नल डिलेड। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे ही मूविंग एवरेज ने इस प्राइस को क्रॉस किया, हम क्या करेंगे, बाय करेंगे और इसको यूज़ करेंगे एज अ स्टॉप लॉस इंडिकेटर। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा हमारा प्रॉफिट बुक होते जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, ये है बैंक निफ्टी जो हमें सिग्नल मिला था ऑलमोस्ट 3 अप्रैल को, क्योंकि ये क्लोज होने के बाद में 3 अप्रैल को हम लोग ट्रेड करेंगे करीब करीब 40,600 के आसपास, और ये अब है 44,000, तो ऑलमोस्ट 34-35 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट, बट इतना कोई हम ले नहीं पाएंगे। सो आइडियली हम लोग ट्रेड करेंगे स्टॉक्स। सो स्टॉक्स के केस में हम लोग चलो जाते हैं, देखते हैं एक रिलायंस का स्टॉक। देखो ऑलमोस्ट हर चीज़ को फॉलो करती है। तो अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं जहाँ पे डेटा कम सही तरीके से चले। तो अब इसे बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल ले लो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया दिन, अभी ये ऊपर जा रहा है, जैसे ये इसके पास आया और इसने इसको रिजेक्ट किया, मतलब बाउंस किया, यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डालेंगे और इसको रखेंगे स्टॉप लॉस। कब तक, जब तक ये इसको वापस टच नहीं करता। तो यहाँ से 715 के करीब बाई अगर से देखे, तो 715 से बाय करके बाद हमें मिला है ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का मूवमेंट। सेम वे इसने नीचे ब्रेक किया, बट ये लाइन जो है अभी भी हमारी स्लोप, जिसे हम कहेंगे मूविंग एवरेज का, ये अभी भी ऊपर के ट्रेंड में है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है जब तक ये स्लोप डाउन ना आ जाए।
जैसे ये स्लोप डाउन आता है, मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा इसको वापस मूविंग एवरेज के आसपास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होगा, जैसे ये नीचे जाएगा वैसे ये ऊपर भी आएगा। ऊपर आकर ये आइदर इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाए, या फिर इसको रिजेक्शन ले, या फिर यहाँ से बाउंस बैक बाउंस डाउन करेगा और नीचे आ जाएगा। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इसका। जैसे इसने इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे क्रॉस हुआ, हम वेट करेंगे ये मूविंग एवरेज का स्लोप पॉजिटिव होने के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए। इस एग्जांपल यहाँ से स्लोप ही ऊपर गया, जैसे ये ऊपर जाने लगा हम लोग यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, या फिर वेट करेंगे इसके आसपास वापस आने के लिए। जैसे ये देखो यहाँ पे, तो हमारे बाय यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गया, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। बट अगर ट्रेड प्रॉपर करना है तो ये यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये प्राइस के आसपास जब भी मूविंग एवरेज आएगा और प्राइस आसपास में आएगी हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे बाय किया और हमें प्रॉफिट हुआ। वापस इसने नीचे ब्रेक किया, ये अभी काफ़ी हद तक एक रेंज बाउंड में है। ये जो है ये एक रेंज बाउंड है, ये देखो काफ़ी हद तक ये रेंज में चलता रहा। जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करेगा हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला। तो जनरली ये हमें क्या देखना है कि ये मूविंग एवरेज इसे कब ब्रेक करेगा। देख लो, तो इस मूविंग एवरेज ने इसे ब्रेक किया यहाँ पे, बट प्राइसेस तो नीचे गिर रहे थे तो हमको रुकना है। ये वापस नीचे आके वापस ऊपर जाने लगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाय BUY बाय 947। ये गया 1022, समझो हम वापस टॉप आउट हुए यहाँ पे 973 के पास, 947 टू 973। ठीक है, वापस वेट करेंगे हम लोग इसका टर्न मारने के लिए, वेट करेंगे यहाँ पे जंप बैक करने के, बाउंस बैक करने के लिए। जैसे इसने बाउंस बैक किया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम देखें तो आइडियल सिनारियो में यहाँ पे सेलिंग आता है, लोग बाहर निकल के देखेंगे, बट ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज ने जब क्रॉस किया तो एक रेंज ब्रेकआउट किया था, रेंज का ब्रेकआउट, बहुत काफ़ी बड़ा रेंज का ब्रेकआउट किया था। जैसे एग्जांपल ये जो रेंज है क्रिएट किया था इसने, इसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देते देते दो चीज़ों का ब्रेकआउट दिया था, एक था मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट, जो हमारा रेंज था इसका मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, सेकेंडली प्राइस ब्रेकआउट। अब इसने मूविंग एवरेज ने ब्रेकआउट दिया है, प्राइस ने भी ब्रेकआउट दिया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे और इसको रखेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी बड़ा आने वाला है इसलिए। तो ये अगर किसी ने ट्रैप किया होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया होगा रिलायंस पे, तो उसको काफ़ी बड़ा मूवमेंट मिलेगा, और वो 30-40% का। वैसे यहाँ पे जब जैसे ही बाहर आया, ये देखो एग्जांपल, ये यहाँ से बाहर आया, जब मारा बाहर आया बट इसने ब्रेक किया। अब ये मेरा मूविंग एवरेज का स्लोप हो गया है नीचे, स्लोप चेक करना है हमको। कभी भी ट्रेड इस केस में ट्रेड नहीं लेना है, मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, हमें सिर्फ बाय देखना है। मूविंग एवरेज का स्लोप चेंज हो गया है, हमें सेल ट्रेड ढूंढना है, तो हम यहाँ पे सेल ट्रेड लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगर फ्यूचर शॉर्ट करने की ताकत है तो ठीक है, नहीं वेट एंड वॉच, कैश में वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलता है। सेम वे यहाँ पे वापस बाउंस बैक आया, यहाँ पे अगेन शॉर्ट लिया पोजीशन, मूवमेंट मिला। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर, बट मेरा मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब ये अभी एक रेंज में चलने वाला है। रेंज कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इसके लिए एक बॉक्स होगा तो बॉक्स, या फिर चलो एक लाइन ही ढूंढते हैं, स्टैंडर्ड लाइन, ये मेरा रेंज है। सेम वे यहाँ पे भी मेरा एक रेंज है, बट ये रेंज थोड़ा छोटा रहेगा हमारा, इतना इसके आसपास। तो हमें क्या वेट करना है, मूविंग एवरेज किस
तरह पे क्रॉस आउट देगा, हम वहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एग्जांपल यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे उसने एक नया सपोर्ट बनाया ये वाली लाइन पे। अब जनरली क्या होगा कि सॉरी इसको हम सीधा करते हैं, जनरली क्या होगा ये ऊपर गया नीचे वापस आया। अब ये लाइन फ्लैट है बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। क्यों क्रिएट हो रही है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है। ये ट्रेंड चेंज होने के बाद हमें एक सपोर्ट एरिया मिला है कि ये रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी हद तक लेगा, और से लिया और लेने के बाद ये ऊपर गया। अब दो चीज़ें हुई है यहाँ पे, एक ये जो जोन बना है इसने वापस इसका फ्लैटिश मोमेंट या फिर साइडवेज मोमेंट जो छोटा सा था उसको ब्रेक किया था, तो ये अगली बार सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट का बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। सेम वे ये नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, हम बाय करेंगे, कब बाय करेंगे? सो ये देखो ये जो हमारा एरिया था इस पे इसने सपोर्ट लिया, जहाँ पे मूविंग एवरेज की फ्लैट लाइन बनती है हमें उसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। ये स्लोप्स 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 इज़ वेरी गुड, बट जहाँ पे फ्लैट मोमेंट आया फ्लैट, वो एरिया हम मार्क करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस क्रिएट होती है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा। जनरली लोग अप डाउन क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन ये ट्रेड करते हैं, बट मेरा प्रेफरेंस ये है जहाँ पर ये साइडवेज मूवमेंट आया है उसको मार्क करके रखो, जब भी नेक्स्ट टाइम ये इस पे एंट्री मिले टेक इट, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी अच्छी मिलेगी। बट यहाँ पे केस में मार्केट फ्लैट था, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी मूविंग एवरेज राउंड आउट होगा मतलब ऊपर की तरफ जाने लगेगा तब भी मैं बाय करूँगा। एग्जाम्पल यहाँ पे बाय कर सकते थे बट ये पोजीशन तो यहाँ पे थी, तो इसके आसपास में हम बाय करेंगे। अभी ये काफ़ी बड़ा गैप अप है तो विल स्किप इट ऑफ राइट नाउ, नो ट्रेडिंग। सेम वे यहाँ पे जब गिरा, ये देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट बना था इसने, क्योंकि ये देखो एक्यूमुलेशन कितना ज़्यादा हुआ था, इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन के केस में मूवमेंट भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। सेम वे ये गिरने लगा, जब भी इसने क्रॉस ओवर दिया और ये एक्यूमुलेशन जोन था हमारा, इसको ब्रेक किया, मोमेंट अच्छी मिली, ये कंटिन्यू होते रहेगा। ये देखो ये एक जोन बना हुआ है, वापस यही जोन बनते रहा, ये काफ़ी हद तक बनते रहा जब तक इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं दिया। जैसे ही क्रॉस ओवर दिया या फिर एक रेंज को ब्रेक किया, क्योंकि ये देखो ये ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर बन रहा है। सो लोअर हायर लोज और हायर हाइज मूविंग एवरेज भी बना रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट देखना। ये एग्जांपल देखो यहाँ पे भी ये भी, सो ये काफ़ी हद तक बना रहा था बट उसके बाद में उसने ये चेंज किया डायरेक्शन, तो वील वेट ये का उसके बाद में सिंपल लॉजिक है मार्केट साइडवेज ही रहा। अब हम वेट क्या कर रहे थे कि एक हायर हाई बनाए, अब ये एक छोटा सा था इसको ब्रेक किया है बट देखते हैं मूविंग एवरेज ये वापस डाउन टर्न लेता है या अप ट्रेंड लेता है। करंट निफ्टी का कंटेक्स के हिसाब से तो ऊपर ही जाना चाहिए बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इसे हम लोग वन आर ट्रेंड पे भी देख सकते हैं। वन आर ट्रेंड का फ़ायदा क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करने वाले लोगों के लिए वन आवर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंट्राडे के लिए 5 मिनट का। अब मूविंग एवरेज के साथ में लोग एक और चीज़ देखते हैं, वो चीज़ क्या का है कि एक और मूविंग एवरेज लगाना। अब हमने एक और मूविंग एवरेज लगा दिया है, इसको करेंगे हम लोग रेड और दूसरा चीज़ ये 9 है, इसको करें हम लोग 34 या फिर सिंपल लो बेस्ट करते हैं हम लोग 200। और ये जो ग्रीन ब्लू है इसको हमने किया 50 डेज का मूविंग एवरेज या फिर 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, और इसको हमने किया ग्रीन। अब
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत 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 ज़्यादा। क्यों? जब 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 यहाँ पे क्रॉस ओवर बना है, इसके आगे की पोजीशन में एक डाउनफॉल आया है। जब जब यहाँ पे ग्रीन क्रॉस ओवर बना है, हमें ट्रैक करना है नेक्स्ट टाइम प्राइस वहाँ पे कब आएगी। ये क्रॉस ओवर तो बाय का सिग्नल है, ऑफकोर्स सबको पता है, बट ये क्रॉस ओवर आने के लिए काफ़ी टाइम चले जाता है और ये मूवमेंट काफ़ी बड़ी निकल जाती है। सो 50 को प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 को क्रॉस करती है, बाय कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मेरा रेड लाइन जो था, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये जो है मेरा 50 डे मूविंग एवरेज है। तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा 50 डे के आसपास आने के लिए, क्योंकि ये वाला मोमेंट हमें कभी नहीं मिलेगा अगर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे इस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये क्रॉस ओवर आया, वेट करेगा मैं इसके आसपास प्राइस आने के लिए, जैसे ही प्राइस आई आई विल टेक इट। ये देखो मोमेंट, ये तो 5 मिनट का चार्ट है, चलो इसको लेते हैं हम लोग आवरली पे, जो काफ़ी अच्छी तरीके से चलता भी है। ये स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल, अभी इसने मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेना चालू किया है, और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 50 डे ब्रेक करने के बाद अगला सपोर्ट होता है 200 डे मूविंग एवरेज का। एग्जाम्पल, इसने जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज टच किया, इट जस्ट बाउंस बैक, जंप मारा, सीधा जंप। ये 1 घंटे का कैंडल है, तो 25 मई को 2421, 26 मई को 27 मई, 29 मई, 30 मई तक इसने मार दिया था 2536। सो 2423 से 2536, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये, 4.5% इनके 4 से 5 दिन में। इसी तरीके से ये डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज नीचे है, रेड लाइन को ये काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट लेगा या फिर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। सेम वे ग्रीन लाइन भी एक रेजिस्टेंस ही एक्ट करता है। कब तक? जब तक ग्रीन लाइन रेड लाइन को वापस क्रॉस नहीं करती। इसने क्रॉस किया, प्राइस नीचे, वेट करेंगे वेट करेंगे वेट करेंगे। ये देखो, सो अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कोई स्पेसिफिक चार्ट देखना चाहते हो, उसका स्टडी देखना चाहते हो, प्लीज़ 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 जस्ट एक कमेंट डाल दो, मैं 100% हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। सेकेंडली, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं इसके बेसिस पे आपको कोई भी बाय या सेल सिग्नल्स नहीं दे रहा। तो अपना ट्रेड खुद ढूंढो, खुद पैसा कमाओ, खुद एंजॉय करो। थैंक यू, बाय बाय।